मेन टॉपिक जो है उसी के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। तो R1 लेने के पीछे इंडिया के यूट्यूबर्स क्यों पड़ गए हैं? अचानक से सभी को R1 अभी याद आ रही है। तो देखो इसका सिंपल और सरल भाषा में तुम्हें मैं आंसर करूंगा। वेलकम बैक टू एन अदर माइंड ब्लोइंग व्लॉग गाइस। आप हो सकता है मेरे को ना जानते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है आज मैंने कवर करने का सोचा है तो उसमें मेरा ओपिनियन जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि लोगों को समझ आना चाहिए कि भाई यूट्यूब पे ऐसा क्या हो गया, अचानक से R1 ही R1 धड़ल्ले से दिखने लग गए। तो भाई साहब आज इसी चीज की पोल खोलते हैं। और अगर आप मेरे को पहली बार ऐसे बोलते हो, सुन रहे हो, जो कि प्रोबेबली ऐसा होगा अभी, क्योंकि मैं ज्यादा मसालेदार चीजें नहीं बनाता, वो चटपटी चीजें नहीं बनाता। तो भाई तो भाई साहिल तो आज शॉप पे है नहीं भाई, पता नहीं कहाँ जा रखा है। बट फिलहाल एक चीज है जो हमने छोटी सी अपग्रेड करी। अपग्रेड भी क्या करी यार, देखो ये है मेरे शूज। मैं ना मोस्टली राइडिंग बूट्स वगैरह नहीं पहनता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग दैट शूज व्हाइल राइडिंग दिस बाइक। और कंफर्टेबल अलग हिसाब का, लाइक उस पे ना मैं एक दो बार मैंने पहन के ट्राई किया और उसमें गिरने जैसे हालात हो गए। बाइक बहुत ज्यादा ऊंची है, मैं सोच रहा हूँ इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी छोटी करी जाए। बट फॉर नाउ अगर कैजुअल राइड्स पे मैं कभी भी जाता हूँ तो आई विल गोना वेयर दिस शूज। और इनका प्राइस बहुत सस्ता है यार, तकरीबन 750-800 के होंगे। R1 चला के ऐसे शूज पहनने का आपको कोई तुक समझ नहीं आएगी अंटिल अनलेस आप इनको पहन के एक बार राइड ना करो। तो मेन टॉपिक जो है उसी के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। तो R1 लेने के पीछे इंडिया के यूट्यूबर्स क्यों पड़ गए हैं? अचानक से सभी को R1 अभी याद आ रही है। तो देखो इसका सिंपल और सरल भाषा में तुम्हें मैं आंसर करूंगा। इन्होंने हर एक बाइक को अपने अपने चैनल पर लाया है, फिर जो बाइक दूसरे यूट्यूबर के पास नहीं होती वो लाते हैं, उसको हाइप बनाते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। ठीक है, देखो मेरे को मेन प्रॉब्लम पता है किस चीज से भाई, इनकी ना कोई ड्रीम बाइक नहीं होती। ऐसे ही बोल देते हैं R1 मेरी ड्रीम बाइक है, H2 मेरी ड्रीम बाइक है, S1000 मेरी ड्रीम बाइक थी भाई, आज खरीद ली ये वो। ये स्ट्रगल स्टोरी सुन सुन के ना भाई मेरे कान पक चुके हैं, मेरे को नहीं सुनना भाई ये सब। तो मेन बात ये है कि अभी R1 अचानक से क्यों ले ली। तो देखो आपको भी पता है एक व्लॉगर है जिसने XYZ जिसको हमारे इंडिया में सबसे बड़ा मोटो व्लॉगर माना जाता है, ऐसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं मानता नहीं हूँ इस चीज को, और उनको माना जाता है कि भाई वो सबसे बड़ा मोटो व्लॉगर है। उसने कहीं अपने वीडियो में कह दिया कि ठीक है आई विल गो फॉर एन R1, मैं R1 खरीदूंगा, नेक्स्ट बाइक वही है भाई। तो ठीक है, अब लोगों ने उसको सबसे बड़ा माना ही हुआ है, तो जो भी उसके कॉम्पिटिशन में थे उन्होंने देखा भाई ठीक है ये मौका अच्छा है, फिलहाल हाइप वगैरह बन रखी है, तो लेट्स गो फॉर दिस मशीन। ठीक है, अब उन्होंने खरीदी और बस एक ही बात बोल के कि भैया ये हमारी ड्रीम बाइक है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। ठीक है, अब मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ गाइस। ये बाइक है ना, अगर कोई बंदा ट्रैक लवर नहीं है या उसका वो बचपन से ख्वाब नहीं बना है ना R1 का, तब तक ये बाइक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ सकती। ठीक है, अब मैं अपना तुम्हें ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। जब तक मैंने इस बाइक को खरीदा नहीं था तब तक मैंने R1 कभी चलाई नहीं थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने इसी बाइक को खरीदा, खरीदने के बाद पैसे देने के बाद मैंने इसे चलाया और सच बताऊं तो मैं डर गया था। ये वो बाइक है जिसके ऊपर आपको कंफर्ट नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, भागती बहुत गंदा है, ब्रूटली भागती है पागलों की तरह, मतलब जितना मर्जी भगा लो तुम्हें कभी भी बस नहीं कराएगी फील, कभी अंडर पावर फील नहीं होने देगी। ठीक है, बट ये एक सबसे बड़ी चीज, आपको पता ही हमारे इंडिया में व्लॉगर्स जितने भी होते हैं इनको इनलाइन 4 के शशके ही पसंद है, इनको वही साउंड पसंद है व्रूम व्रूम वाली। ठीक है, अब्रॉड में ऐसा होता है लोगों को क्रॉस पेन ज्यादा पसंद है, डेस्मो सिडीची पसंद है, एप्रिलिया का V-twin इंजन पसंद, डुगाटी का V4 इंजन पसंद है, अलग आवाज इनको बहुत ज्यादा पसंद होती है, बट हमारे इंडिया में इनको खाली इनलाइन 4 की आवाज पसंद होती है। तो अंदर से सारे गालियां दे रहे होते हैं, एंड इवन जो सो कॉल्ड जिसको सबसे बड़ा यूट्यूबर भी बोलते हैं, यार मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरी जस्ट ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है। ठीक है, ऐसे तो सब अपनी जगह ठीक है भाई, मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अपने ओपिनियन के हिसाब से उसने ही एक वीडियो में अपनी किसी कहा था, मेरे को नहीं पता, बैरन भैया ने वीडियो डाली थी और उसमें उसने ये चीज कही थी कि भैया जो डुकाटी V4 है गाड़ी दिखने में बहुत अच्छी है बट उसकी आवाज ओकेश है। तो भाई ओकेश ही होगी क्योंकि इनलाइन 4 बड़ा ट्रेडिशनल इंजन है यार, बहुत पहले से चल रहा है, ये थोड़े से अलग इंजन आए थे। अब यामाहा R1 में 2015 में ही हमें बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स देखने को मिल गए थे, जैसे TFT डिस्प्ले वगैरह, इंजन में क्रॉस प्लेन तो भाई 2010 में कर दिया था यामाहा ने। तो बहुत सारी अलग ऐसी चीजें हैं जो इन बाइकों में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, इनलाइन 4 है वो काफी ज्यादा पहले से ही चल रहा है। तो फिलहाल बस यही चीज है भाई, मैं बस एक चीज कहूंगा, अगर तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना इन इन्फ्लुएंसर्स को देख के, ठीक है मेरे को R1 लेनी, S1000 लेनी, ये वो, बंद करो भाई, बहुत हो गया। मैं नहीं चाहता कि YouTube पे ये बाइकें भी आम हो जाए। ठीक है, आम इन द सेंस खरीदने से कोई मतलब नहीं है मेरे को, खरीदो आप अगर आपका सच में मन है बाइक को लेने का, बट इनको देख के किसी भी बाइक का मन मत बनाया करो। इनके रोज मन चेंज होते हैं, ये खाली आते हैं 2 दिन की लस्सी करते हैं बस उसके बाद चले जाते हैं। अब मैं जहां पर भी देख रहा हूं भाई वहीं पर R1 ये R1 वो R1 भाई दिमाग खराब हो गया मेरा R1 से भी। ठीक है, तो भाई चीज का मजा तभी आता है, अब हर बंदे का अलग अलग टेस्ट होता है। बहुत दिनों के बाद, थोड़े दिनों के बाद तुम देखोगे R1 भी एकदम प्रॉपरली छपरी फाई बाइक हो चुकी होगी, कहीं से व्हीलीज उठ रही है, गंदे तरीके से चला रहे हैं लोग, ये वो फटाक फटाक कुछ
भी होता है, चलता है भाई। अब मैं थोड़े दिन पहले एक दिल्ली का बंदा था, उसके पास R1 थी, मैं देखता था ये वाली नहीं, अब वो बाइक बिक गई है उस बंदे से, आगे कहीं चली गई हुई है, बट वो भी बहुत गंदे तरीके चलाते थे एंड जस्टिफिकेशन बस यही है कि भाई आई हैव स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑन दिस बाइक सो आई विल डेफिनेटली गोना राइड इट लाइक दिस। भाई घंटा ठीक है, तुम मरोगे आगे कोई मरेगा, बहुत गंदे गंदे क्रैशेज होते हैं गाइस, टच वुड। मेरे को तो लगता है डर भाई, पता नहीं मैं गलत सीन में हूँ कि यूट्यूब में आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे से ना ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं होता, मैं बात भी नहीं कर सकता ऐसी चीजों के बारे में, और यही ऑनेस्ट ओपिनियन है। बट आजकल देखो यूट्यूब पे तो भैया वही चलता है जिसके अंदर मसाले भर भर के हो, खचा खच कुछ भी अनाप शनाप डाला हो, वही चीजें चलती हैं। तो बस यही है भाई अपना। एक और चीज, मेरे को क्रॉस प्लेन की आवाज पहले से ही पसंद है भाई, बेशक मुझे डरा देती है। अरे पिद्दू डर गया यार, बेचारा छोटा पपी था डर गया यार। मैं ना तुम्हें एक चीज बताता हूँ लाइक इन्फ्लुएंसर्स के रिगार्डिंग ही, जितने भी हमारे हैं यार, देखो एक ना एक टाइम आता है जैसे इनकी थोड़ी सी रीच डेड होती है, या तो नई बाइक के लिए भाग जाते हैं या कुछ और। तो अगर तुम्हें लगता है ना कि इनको बाइक्स के साथ स्टिल अभी वो मजा आता है, तो मैं सच बताता हूँ अब इनको बाइक्स और कार्स में कोई मजे नहीं आते, अब सिंपली इट्स लाइक कि कॉन्टेंट है बनाना है तो डालना है, दैट्स इट। ऑल राइट गाइज, इसके साथ ही आज की वीडियो करते हैं यहाँ पर ख़त्म। अभी फ़िलहाल मेरी फेयरिंग वगैरह आ रही है, मैंने आपको पहले भी एक दिन व्लॉग में बनाया था कि मैं इसको बेस्ट इन इंडिया तो नहीं, बट मेरे लिए जो बेस्ट है वो मैं इसे बनाना चाहता हूँ। तो अभी बहुत सारा काम है इसमें, सबसे पहले हमें टायर्स अपग्रेड करने हैं, फेयरिंग अपग्रेड करनी है, मैं फेयरिंग का ही वेट कर रहा था, जिस दिन फेयरिंग आ जाती है मैं सोच रहा था उसी दिन करते हैं सारा काम शुरू और इसे वापस से रिवाइव करते हैं एकदम फ्रेशली स्पार्कलिंग R1 के साथ, ठीक है। तो हाँ, बाकी लोग कुछ कह भी रहे हैं कि यार ये सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड R1 है, वो अपग्रेडेड है, ये अपग्रेडेड है, वो अपग्रेड। भाई जिस दिन इंडिया के यूट्यूबर्स में बड़े लिमिटेड लोग हैं, ऐसा नहीं कहता मैं बिल्कुल भी नहीं है, बट सच में बड़े लिमिटेड मोटो व्लॉगर्स हैं जिन्हें अपग्रेड्स का मतलब भी समझ आता होगा कि अपग्रेड होती क्या, ठीक है, खाली विंगलेट्स डाल लेने से या कुछ भी कर लेने से बाइकें अपग्रेड नहीं हो जाती, ठीक है।